घर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घर घर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेएमएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजुल हसन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झारखंड के देवघर स्थित अम्बेडकर कल्याण छात्रावास से बिहार के 4 दर्जन छात्रों को पुलिस के द्वारा बलपूर्वक हटाए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। कल्याण छात्रावास में पुनः रखने की मांग को लेकर आक्रोशित छात्रों ने एक बार फिर सोमवार को चकाई देवघर मुख्य मार्ग को बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित राजधानी होटल के समीप 4 घंटे तक जाम कर दिया। जाम के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। सड़क जाम कर रहे छात्रों ने बताया कि वे लोग लंबे समय से छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान एक सप्ताह पूर्व देवघर जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बिहारी बताकर कल्याण छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया। जब हम लोगों ने खाली नहीं किया तो बलपूर्वक पुलिस प्रशासन छात्रावास पहुंच गई और हम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। हम लोगों के द्वारा विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें अमित रंजन का हाथ टूट गया, जबकि पप्पू कुमार, बबलू कुमार, पंकज कुमार, दिव्यांग छात्र नीतीश कुमार घायल हो गए। अन्य छात्रों के साथ भी धक्का मुक्की और जबरदस्ती कर छात्रावास से निकाल दिया गया। छात्रों ने बताया कि वे लोग निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। इस दौरान झारखंड सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। जाम के दौरान छात्र तख्तियां लेकर सरकार का विरोध कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना पाकर सीओ राकेश रंजन और चंद्र मंडी ही पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंची और छात्रों को समझाया बुझाया। जाम कर रहे छात्रों को सीओ द्वारा जमुई डीएम और एसडीओ से बात भी कराई गई। इसके बाद छात्रों ने जाम हटा लिया। सीओ ने कहा इस दौरान कि छात्रों की समस्याओं को वरीय अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। चकाई से विकास कुमार लहेरी की रिपोर्ट। देवघर कॉलेज में और सत्संग कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं। बिहार का जितना भी स्टूडेंट है 40 से 50 करीब में हम लोग स्टूडेंट पढ़ते थे वहाँ पे, और प्रशासन के द्वारा हम लोग के ऊपर मारपीट करके भगा दिया के बोला गया, साफ तौर पर बोला गया है कि बिहारी को यहाँ रहने का प्रावधान नहीं है, यहाँ तुम लोग नहीं रह सकता। प्रशासन मारपीट किया है और सामान तमान भी बाहर से होटल से फेंक दिया, कि जिसमें हम लोग अमित कुमार रंजन का हाथ भी टूट गया है और मारपीट भी किया है। हम लोग को एक ही मांग है, हम लोग को होटल चाहिए नहीं तो जेल चाहिए। और वहाँ पे मनमानी कर रहा है, साफ तौर पर डीसी बोल रहे हैं कि हम लोग को ऊपर से पॉलिटिशियन दबाव आ रहा है, तुम लोग को होटल खाली करना पड़ेगा। हम लोग को मांग है कि हम लोग होस्टल चाहिए नहीं तो जेल चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू दास है। जब हॉस्टल आए तो देखे कि लड़का के साथ मारपीट कर रहा था, जबरन खाली करवाया जाता, सामान सब फेंका जा रहा था। एक लड़का खाना भी खा रहा था तो उसको खाना पर से उठा के और थाली को फेंक दिया गया। तब हम देखे तो हम भी विरोध करने लगे कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, गुंडागर्दी आप नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमको प्रशासन के द्वारा मारा गया। जिसमें मेरा हाथ को देखिए क्रेक हो गया है, यहाँ तक कि टूट ही गया है। प्रशासन मारपीट किया, हमको मेरा हाथ टूट गया, जिसके बाद हमको गाड़ी पे उठा के लेके थाना में बंद भी किया गया था, जो कि हम 8 से 10 घंटा तक थाना भी काटे हैं। क्या नाम है? अमित कुमार रंजन। क्या मामला था? क्या छात्रों द्वारा रोड को जाम किया गया था देवघर कॉलेज में, इनके साथ कुछ जातियां हुई थी, उस आलोक में इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। एसडीएम जमुई से बातचीत हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इनके द्वारा जो भी पूर्व में घटित घटनाएं हुई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए आगे बातचीत की जाएगी और बातचीत द्वारा इसका हल किया जाएगा, ताकि लड़कों का भविष्य बढ़िया रहे और इनको फिर देवघर कॉलेज में परमिशन मिल सके। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर